दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे OBS स्टूडियो के बारे में। अभी आपने OBS स्टूडियो को हाल ही में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, यानी OBS स्टूडियो के बारे में अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ OBS स्टूडियो की सेटिंग्स के बारे में कि आपको OBS स्टूडियो के अंदर क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए, क्या सेटिंग्स करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने PC पर और OBS स्टूडियो को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया। यह है OBS 30.1.2 OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। OBS के अंदर जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर हमें सीन्स क्रिएट करने होते हैं, सोर्सेज में हमें अपने सोर्सेज वगैरह ऐड करने होते हैं, तो इसके बारे में पहले से ही मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो आप देख कर सीख सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम क्या सेटिंग करें जिससे कि हमारे OBS स्टूडियो के थ्रू हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्मूथ चले, बढ़िया से चले। तो उसके लिए यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको सेटिंग्स के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनरल टैब के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारी थीम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है ओपन स्टेट डायलॉग ऑन स्टार्टअप, तो यहाँ पर अगर आप इसे टिक कर दोगे तो आपका एक डॉक दिखाई देता रहेगा, एक डॉक्यूमेंट टाइप का जो अलग से डॉक दिखाई देगा, जिसमें आपका CPU, जैसे ये आप देख रहे हो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है CPU कितने % यूज़ हो रहा है, ये FPS वगैरह सारी जो डिटेल है वो आपकी अलग से एक विंडो में दिखाई देती रहेगी। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन आता है हाइड OBS विंडोज़ फ्रॉम स्क्रीन कैप्चर। ये काफ़ी काम का है, ये उनके लिए काम का है जिनके पास केवल सिंगल स्क्रीन है, यानी जो डुअल मॉनिटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब भी हम अपने OBS स्टूडियो में कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमारे OBS की जो सारी विंडोज़ वगैरह है ना, वो उसमें दिखाई देती हैं, यानी OBS का फ्रेम भी हमें दिखाई देता है। जैसे मान लो आप OBS स्टूडियो से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो अगर आप जब रिकॉर्डिंग करोगे ना OBS से, तो OBS भी उसमें आपका स्क्रीन में दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पर इसे टिक कर दोगे तो आपका OBS हाइड हो जाएगा, यानी जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें आपका OBS दिखाई नहीं देगा, आपके PC की स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये जो लोग सिंगल स्क्रीन यूज़ करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो आप इसको टिक कर दो, जिससे आप जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो आपका OBS स्टूडियो का कोई भी स्क्रीन, कोई भी कुछ भी हिस्सा दिखाई नहीं देगा, केवल आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है अपडेट्स का, तो अपडेट चैनल ये सब तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आप देख लो आपको ऐसे ही रखना है जैसे अपडेट चैनल है। तो यहाँ पर आपको स्टेबल लेटेस्ट स्टेबल रिलीज डिफॉल्ट रखना है, उसके बाद इसे टिक करके रखना है। और उसके बाद आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है, तो आउटपुट में मैंने यहाँ पर सेटिंग जो कर रखी है वो आप देख लो, यहाँ पर मैंने सारे ये ब्लैंक छोड़ रखे हैं, इनमें हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सोर्स अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें भी आपको इसे इनेबल करके रखना है, और स्नैप सेंसिटिविटी 10.0 रखना है। उसके बाद स्नैप सोर्सेज टू एज ऑफ स्क्रीन, ये आप देख लो यहाँ पर इसे टिक करके रखना है, इसको भी टिक करना है और इसे टिक नहीं करना है। उसके बाद प्रोजेक्टर्स का ऑप्शन आ जाता है, तो इसे सबको हमने ब्लैंक करके छोड़ रखा है। उसके बाद सिस्टम ट्रे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इसे इनेबल कर देना है, इसे हमें ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप प्रीव्यू सेट कर सकते हो, जैसे हाइड ओवरफ्लो ये सब ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर सबसे नीचे वाला टिक कर रखा है, इसके हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद इम्पोर्टर्स ये हमें ब्लैंक छोड़ देना। एक बार आप सारी जो सेटिंग्स यहाँ पर मैंने कर रखी हैं वो आप देख सकते हो। स्टूडियो मोड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो इनमें से जो नीचे वाला है वो मैंने टिक कर रखा है। उसके बाद मल्टी व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैंने तीनों यहाँ पर टिक कर रखे हैं। उसके बाद मल्टी व्यू लेआउट का मैंने यहाँ पर हॉरिजेंटल टॉप 8 सीन्स सिलेक्ट कर रखा है। तो ये हो गई हमारी जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में ये आप सेटिंग एक बार देख लो। अब यहाँ पर जो स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आपको सर्विसेज में, मान लो आप यूट्यूब पर लाइव करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर यूट्यूब RTMPS सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सर्वर में प्राइमरी यूट्यूब इंजेस्ट सर्वर रखना है। उसके बाद यहाँ पर यूज़ स्ट्रीम की एडवांस का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है, और अपने यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम में जो स्ट्रीम की होती है वो स्ट्रीम की आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी स्ट्रीम की सेटिंग हो गई। उसके बाद आपको जाना है आउटपुट पर। अब जब आउटपुट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, आउटपुट मोड। आउटपुट मोड में आपको सिंपल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे टिक करोगे तो आपको एडवांस्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, एडवांस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्ट्रीमिंग का, तो स्ट्रीमिंग में आपको क्या सिलेक्ट करना है वो देख लीजिए।
स्ट्रीमिंग सेटिंग, यहाँ पर जो ऑडियो ट्रैक है वो हमने वन सेलेक्ट कर रखा है। तो ऑडियो ट्रैक, अगर आप अलग अलग ऑडियो ट्रैक भी यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। हमने केवल एक ऑडियो ट्रैक पर ही सारा कुछ कनेक्ट कर रखा है, तो आपको यहाँ पर ऑडियो ट्रैक वन रखना है। ऑडियो एनकोडर आपको FM, MPG, AAC रखना है, और वीडियो एनकोडर NVIDIA NVNC मैंने रखा हुआ है। तो अगर आपके PC में ग्राफिक्स कार्ड है, NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड अगर आपका लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, NVIDIA NVNC और NVIDIA NVNC HEVC। ये दो ऑप्शन तभी दिखाई देंगे अगर आपने NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है। अगर आपका कोई दूसरा ग्राफिक्स कार्ड है तो वो भी आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर आपके PC में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तब आपको ये नीचे वाला जो X264 वाला ऑप्शन है, ये आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपके सिस्टम पर ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको NVIDIA NVENC H264 सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीस्केल आउटपुट, तो इसे आपको डिसेबल करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर एनकोडर सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैंने रेट कंट्रोल CVR रखा हुआ है, बिटरेट मैंने 10,000 KBPS रखा हुआ है। बिटरेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड जो अपलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी खासी है तो आप 10,000 KBPS भी रख सकते हो, और अगर ज़्यादा अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं है तो आप यहाँ पर इसे 2500 रख सकते हो। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेना कि आपका 5000 पर सही चल रहा है या 2500 पर सही चल रहा है, तो बिटरेट आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 10,000 KBPS कर रखी है। उसके बाद की फ्रेम इंटरवल 0 सेकंड रखना है। प्रीसेट आपको P5 स्लो गुड क्वालिटी मैंने रखा हुआ है, ट्यूनिंग हाई क्वालिटी रखनी है, और मल्टीपास मोड में आपको 2 passes क्वार्टर रेजोल्यूशन ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। प्रोफाइल हाई रखा हुआ है, साइको विजुअल ट्यूनिंग आपको टिक करके रखनी है, GPU 0 रखना है, और मैक्स बी फ्रेम्स आपको 2 रखना है। तो ये हमारी सेटिंग हो गई स्ट्रीमिंग की। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हो तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग की सेटिंग देख लो। रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर टाइप हमारा है स्टैंडर्ड, तो इसको हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग सेटिंग में आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग पाथ सिलेक्ट कर लेना है कि आप रिकॉर्डिंग जो आपकी होगी वो कहाँ पर किस फोल्डर में आपको सेव करनी है, वो आप फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जेनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस, इसे हमें टिक करके रखना है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट यहां पर आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट हमें MKV रखना है, या आप देख लो ध्यान से, MKV फॉर्मेट में हमें रिकॉर्डिंग रखनी है। उसके बाद वीडियो एनकोडर, यहां पर हमें यूज स्ट्रीम एनकोडर रखना है। ऑडियो एनकोडर FF MPEG AAC ये वाला रखना है। ऑडियो ट्रैक हमें वन रखना है। अगर आपको अलग अलग ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड करने हैं तो वो भी आप यहाँ ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कस्टम मिक्सर सेटिंग वगैरह सब कुछ आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ऑटोमेटिक फाइल स्प्लिटिंग भी आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी यहाँ नहीं करना है। हमारी रिकॉर्डिंग की सेटिंग हो गई। उसके बाद ऑडियो पर जाना है, और ऑडियो के अंदर आपको जो ऑडियो का हमारा ट्रैक वन है उसमें ऑडियो बिटरेट आपको 160 रखना है। बेसिकली ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, इसमें आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिप्ले बफर का ऑप्शन आता है, तो रिप्ले बफर हम फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रिप्ले बफर को हमने ऐसे ही छोड़ रखा है। उसके बाद इस साइड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, ऑडियो पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो जनरल सेटिंग है इसमें आप देख सकते हैं सैम्पल रेट 48 Hz रखा है, चैनल स्टीरियो रखना है, और ग्लोबल ऑडियो डिवाइसेस यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखनी है, डेस्कटॉप ऑडियो डिफ़ॉल्ट रखना है, और बाकी सब कुछ हमने यहाँ पर डिसेबल कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर मीटर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो डीके रेट हमें फास्ट रखना है, और पीक मीटर टाइप हमें सैम्पल पीक रखना है। यहाँ पर ये हो गई। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एडवांस का ऑप्शन आएगा, मॉनिटरिंग डिवाइस। अब यहाँ से आपको अपनी मॉनिटरिंग डिवाइस सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर आप जिस डिवाइस पर मॉनिटरिंग करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये केबल BB ऑडियो सिलेक्ट कर रखा है। आपका अगर कोई भी हेडफोन वगैरह आपने कनेक्ट कर रखा है तो वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको इसके सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है हॉट कीज़ का, तो यहाँ से आप हॉट कीज़ वगैरह जो भी आपको लगानी है वो आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ यहाँ ब्लैंक छोड़ रखा है, यहाँ कुछ भी मैंने सेट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर ऑडियो की सेटिंग के बाद अब आपका वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको बेस कैनवास रेजोल्यूशन दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्प्ले है
उसका जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर दिखाई देगा बेस कैनवास रेजोल्यूशन में। अगर आपका मॉनिटर 4K का है तो यहाँ पर 4K तक की क्वालिटी दिखाई देगी, और अगर आपका मॉनिटर 1080p तक का है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये बेसिकली आपके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट स्केल्ड रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को सेम रखा है, आपको भी दोनों सेम ही रखने हैं, 1920x1080p और आउटपुट स्केल्ड रेजोल्यूशन, तो ये आपको बिल्कुल सेम रखने हैं, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, दोनों को आप यहाँ पर सेम रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दोनों सेम कर दिए हैं। उसके बाद डाउन स्केल फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउन स्केल फिल्टर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने जो आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन और बेस रेजोल्यूशन हमने सेम रखा हुआ है, इसलिए हमें किसी भी डाउन स्केल फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो FPS है, कॉमन FPS वैल्यू मैंने 60 FPS सेट कर रखी है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 30 FPS रखना चाहो तो 30 FPS भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पर 60 FPS पर रख रखी है इसकी सेटिंग। उसके बाद हॉटकीज़ का ऑप्शन आता है, जैसे कि आप जानते हो यहाँ से हम अपनी हॉटकीज़ वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेसिबिलिटी की भी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और एडवांस में भी हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। तो ये हमारी बेसिक कॉमन सेटिंग हो गई। उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके OBS स्टूडियो की प्रॉपर सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब ये सारी सेटिंग करने के बाद भी अगर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्मूथ नहीं हो रही है, बफरिंग वगैरह हो रही है, तो उसके लिए सिंपल आपको सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पर आउटपुट पर जाना है। तो यहाँ पर जो हमारा एनकोडर सेटिंग के अंदर जो बिटरेट है, ये बिटरेट आपको कम करके देख लेना है। आप इसे 2500 कर सकते हो, 1500 करके देख सकते हो, तो उनमें से किसी ना किसी पर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग सही से हो जाएगी, स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप OBS स्टूडियो की प्रॉपर सेटिंग करके स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपको OBS स्टूडियो के बारे में ज़्यादा जानना है, सीखना है, तो इसकी बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। OBS स्टूडियो की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से उन वीडियोज़ को देखकर आप OBS स्टूडियो को पूरी तरह से सीख सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।